हाई एवरीबडी, वेलकम टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। अगर आप लोग एविएशन, क्रूज लाइनर्स या होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे भी जो भी नए वीडियोज़ हम बनाएं उनकी आपको बराबर से इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप उससे ज़्यादा और ज़्यादा नॉलेज ले सकें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ क्राइटेरियाज ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। तो कैबिन क्रू इज़ बेसिकली, जिसको लार्जली हम लोग जानते हैं एयर हॉस्टेस, वो टेक्निकली करेक्ट टर्म नहीं है, उसको बोला जाता है कैबिन क्रू। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, या दिस जॉब इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको क्राइटेरियाज बताऊंगी और जितनी भी कंफ्यूजन है इस इंडस्ट्री के बारे में, आई होप मैं वो भी क्लियर कर सकूं। अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बता पाई तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एड्रेस जितना भी मुझसे हो सकता है। इसके साथ साथ मैं लिंक में अपना टेलीफोन नंबर दे दूँगी, हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ उसमें जाके बाकी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उसमें जाके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैबिन क्रू बनने के लिए है, वो डेफिनेटली मैं एज डिस्कस करना चाहूँगी। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27, और ये होता है अगर आप फ्रेशर हैं, राइट? तो अगर आप फ्रेशर हैं तो 18 से 27 का क्राइटेरिया होता है। तो एज अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई टिल यू आर 27। सेकेंड थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन में मिनिमम उनको चाहिए होता है 10+2 किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड के साथ, CBSE, ICSE, उत्तराखंड बोर्ड, विच एवर बोर्ड दैट यू नो यू हैव डन योर एजुकेशन फ्रॉम, जो भी रिकग्नाइज बोर्ड्स हैं आपको उनसे 10+2 मतलब 12th आपकी उनसे हुई हुई होनी चाहिए। इसमें कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रहता है। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी एयरलाइंस में लिखा हुआ होता है मिनिमम दिस मच मार्क्स, तो ये एक प्रेफरेंस होती है, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हैं। देन अगेन आपकी पर्सनालिटी और आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि फाइनली वो आपको लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बट आप ये मत सोचना कि 60 लिखा हुआ है, मेरे तो 59 आए हैं, मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, अगर आपके 59 आए हैं लेकिन आप बहुत, आपके अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यू आर अ वेरी प्लेजेंट पर्सन, योर ग्रूमिंग इज़ परफेक्ट, तो डेफिनेटली आपको वो लोग चांस देंगे। ओके, तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर दिस कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी होता है। थोड़ी बहुत ऐसी एयरलाइन हैं जो ग्रेजुएशन मांगती हैं, तो वो जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ग्रेजुएट्स, है ना? जैसे गल्फ एयर ग्रेजुएट्स मांगती है, जो कतार है, एमिरेट्स है, एतिहाद है, दे डोंट नीड ग्रेजुएट्स। ओके, आप उन इंटरनेशनल एयरलाइंस में, स्विस है, वर्जिन अटलांटिक है, ब्रिटिश एयरवेज है, बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइन है जो सिर्फ 10+2 लेती हैं, राइट? तो दिस इज अबाउट एजुकेशन। नाउ थर्ड थिंग, हाइट। ओके, हाइट डेफिनेटली इज अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, ओके, बिकॉज ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। बेसिकली आप जब कैबिन क्रू बनते हो तो आप सिर्फ उधर सर्विस के लिए नहीं होते हो, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। सो बेसिकली इट इज़ योर जॉब टू मेक श्योर दैट योर गेस्ट पैसेंजर्स आर सेफ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो सेफ्टी की वजह से नाउ इन एन एयरक्राफ्ट चीज़ें ऊपर रखी जाती हैं, हैट ट्रैक्स जो होते हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वो एक मिनिमम हाइट जो है वो मानते ही हैं, राइट? सो दैट इज़ 155 सेंटीमीटर्स। 155 सेंटीमीटर्स होगा कुछ 5 फुट 2 इंच। ओके, सो दिस इज़ फॉर गर्ल्स, मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स। इसके सिवा अगर आप यू नो फॉर मेल कैंडिडेट्स जो मिनिमम हाइट बोलते हैं वो लोग, दैट इज़ अराउंड 168।
168 सेंटीमीटर्स, तो दिस इज अराउंड आप 5'6" या 5'6" मिनिमम। देन अगेन ये डिफरेंट एयरलाइंस में डिपेंड करता है, बट फॉर श्योर 155 तो मिनिमम है ही, जो हर एयरलाइन मिनिमम उतना तो चाहेगी। अब कोई कोई एयरलाइंस यू नो अपना क्राइटेरिया को और थोड़ा टफन कर सकते हैं कि नहीं हम सिर्फ 158 सेंटीमीटर्स वाले लेंगे, ओके, बट मिनिमम 155 ये मोस्ट एयरलाइंस का क्राइटेरिया 155 सेंटीमीटर्स रहता है, और मेल के लिए 168 सेंटीमीटर्स रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर BMI। ओके, तो BMI होता है बेसिकली आपका वेट। आप जा सकते हैं गूगल पे और आप अपना BMI निकाल सकते हैं। तो आपका वेट और हाइट से ये निकलता है, आपसे वो वेट पूछेंगे और हाइट पूछेंगे, फिर आपका BMI निकाल देंगे। तो आपका नॉर्मल BMI होना चाहिए, विच इज़ अराउंड फ्रॉम फॉर फीमेल इट इज़ अराउंड 18 to 22, राइट, और फॉर मेल इट्स 18 to 25। ये आपका BMI होना चाहिए। तो इसके सिवा जो एक और क्राइटेरिया है विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट इज़ दैट नो विजिबल टैटू। आपके कहीं ऐसी जगह पे, जैसे यू नो लाइक इफ़ यू हैव टैटूज ऑन योर फिंगर्स ओवर हियर, या इफ़ यू हैव टैटू से ऑन द नेक, तो ये विजिबल टैटूज होते हैं, राइट। तो अगर यूनिफॉर्म में टैटू विजिबल है तो इट इज़ डेफिनेटली अ नो फॉर मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस। और बहुत सारी ऐसी भी एयरलाइन है वो बोलती है टैटू होने ही नहीं चाहिए, मतलब विजिबल या इनविजिबल, आई वी डोंट वांट टैटूज इन योर बॉडी, ओके। तो बट 99.9% एयरलाइंस वुड एक्सेप्ट यू इफ़ यू हैव अ टैटू, बट वो विजिबल नहीं है यूनिफॉर्म में, ऑलराइट। सो ये 6 क्राइटेरियाज जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने एयरलाइंस में जाना है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई टू बिकम अ कैबिन क्रू। एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ यू शुड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, है ना। अगर आप इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपकी कमांड दोनों पे अच्छी होनी चाहिए। इवन फॉर इंटरनेशनल यू नो आपकी, अगर आप इंडियन हैं तो दे वुड ओनली हायर फ्रॉम इंडिया जब उन्हें चाहिए कि हिंदी स्पीकिंग कैबिन क्रू हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी, कोई भी लैंग्वेज इज़ ऑलवेज अ प्लस, हिंदी और इंग्लिश मिनिमम आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली विद दिस यू शुड हैव गुड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी प्रोफेशनल, या एंड यू शुड लुक लाइक अ लेडी और अ जेंटलमैन, या दिस इज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टन स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग। इसके अलावा आई वुड से कि पर्सनैलिटी जो है आपकी वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है शिष्टाचार, तो आपकी पर्सनैलिटी में शिष्टाचार होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ रूड पर्सन, यू शुड नॉट बी एरोगेंट पर्सन, यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू। इफ़ एट ऑल मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपने पूछनी है तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ देम। ऑल्सो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे रेडी होना है, क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए आपके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। इसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आई होप आप सबके सब जो भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई होप यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। इट इज़ एन अमेजिंग इंडस्ट्री, इट इज़ वंडरफुल टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। यू गेट टू सी अ लॉट, यू गेट टू लर्न अ लॉट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, चाओ।